मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस विज्ञान का जंतर मंतर आज अपने रूट प्लान के तहत आए हुए हैं शाहबाद ब्लॉक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल विलेज डीग में। यहाँ आज हमारा ये लास्ट स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की श्रृंखला में। हमने बच्चों को आज साइंस से कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाए और बच्चों ने बड़े ध्यान से प्रैक्टिकल को देखा। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स स्कूल के मौजूद हैं। मैं स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि यह प्रोग्राम देखने के बाद इन स्टूडेंट्स को साइंस कैसी लगी, क्या उनको साइंस आसान लगी या मुश्किल लगी, तो ये राय जानने के लिए मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जी, क्या बताएंगे आप, कैसा लगा आपको? मुझे साइंस से बहुत अच्छे सीखने को मिला। मैंने बहुत सी साइंस की चीज़ें सीखी और बहुत मज़ा आया इसे सीखने में। क्या नाम है आपका? प्रीति। कौन सी क्लास है? 9th क्लास में, और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आपने क्या सीखा बेटा? आज मैंने एहसास हो गया भी साइंस एक ऐसी चीज़ है कि वो दुनिया के बंदे की सोच बदल देती है जी। क्या और नाम आपका? रमनप्रीत कौर है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10th में पढ़ती हूँ। जी आप क्या बताएंगे? मेरा नाम रक्षा है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, और आज हमारे स्कूल में साइंस क्लब से आए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इंजॉय किया। एक्सपेरिमेंट हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के करवाए थे। और नाम बताइए एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट के नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे सर ने हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना सिखाया था, और वो ध्वनि साउंड कैसे हम तक पहुंचती है जी जी। और पाइथागोरस के बारे में। हाँ जी, आपको क्या सीखा आपने? अमल शार्क और मैग्नीशियम पाइथागोरस प्रमेय से, और साबुन की प्रक्रिया जी। हमने साबुन की कार्यविधि, अमल और शार्य का पता लगाना सीखा, और बहुत सी एक्सपेरिमेंट सीखे हमने जी। देखिए, रमन प्रीत ने बताया कि बहुत ही अच्छी बात हमें इनकी लगी कि साइंस एक ऐसा विषय है जो आपकी सोच को बदल के रख देता है, और मुझे लगता है कि हम कुछ हद तक इन बच्चों की सोच को आज बदल पाए हैं। मेरे साथ इसमें कुछ साइंस टीचर भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनको यह प्रोग्राम कैसा लगा जी। कैसा लगा मैम प्रोग्राम आपको? सर, ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। सर्कल ऑफ साइंस हमारे स्कूल आए GSSDEEG, तो बच्चों में इंटरेस्ट इतना क्रिएट हुआ है। वैसे हम प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाते भी थे, लेकिन एक नई तरीके से इनका बताने का जो प्रेजेंटेशन था, प्रैक्टिकल्स करवाने का, वो काफ़ी बेटर था। और हम चाहते हैं कि भी इसी तरह से गवर्नमेंट, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट, इसी तरह से और भी प्लान ऑर्गेनाइज करे। मोबाइल वैन, साइंस लेबोरेटरी, ये जो हमारे इधर आए हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स, काफ़ी अच्छा। माई सेल्फ वैजंती, साइंस मिस्ट्रेस GSSDEEG। मैडम आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ जी, माई सेल्फ रेखा शर्मा, PGT फिजिक्स। तो ये जो मोबाइल साइंस लैब का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ रियली गुड, कि इससे बच्चों को मतलब जो वन टू वन इंटरेक्शन की एक्सपेरिमेंट्स के साथ उनको बताया गया साइंस के बारे में, तो इससे बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होगा और साइंस के प्रति उनका जो रुझान है वो बढ़ेगा। तो बच्चेंगे साइंस, बच्चे जो हैं वो साइंस पढ़ने से डरेंगे नहीं। इस तरह की जो मोबाइल्स वैन है, क्या लगता है आपको कि स्कूल्स में महीने में, दो महीने में कितनी बार आए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले? हाँ जी, मंथ में अगर एक बार भी आती है तो इससे मतलब बच्चों को पढ़ने में बड़ा फायदा होगा जी। क्या नाम उनका? रेखा शर्मा। मैडम, रेखा शर्मा का भी यही कहना है कि बच्चे जब साइंस को प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा अच्छे सीख पाते हैं, और ये चाहते हैं कि इस तरह की जो मोबाइल साइंस वैन है, महीने में एक दो बार स्कूल में जरूर आए। धन्यवाद।